हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम हैविंग 250 mm विड्थ एंड 600 mm डेप्थ यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। Fe 500 एट M25 ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट शुड बी कंसिडर्ड। अब साथियों, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, जो बीम का साइज है यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा क्या है, 250 mm हमारी विड्थ है और जो हमारी डेप्थ है साथियों, टोटल डेप्थ की बात करें तो हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी है 600 mm। ये आप समझ सकते हैं, बोला गया कि लिमिट स्टेट का यूज करके यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है बीम का। जो यहाँ पे कंक्रीट हुआ यूज हुआ वो M25 है, जो यहाँ पे स्टील बार यूज हुआ वो उसका जो ग्रेड है वो है Fe 500। तो हम देखते हैं यहाँ पे दिया क्या गया है। तो अगर हम बात करें विड्थ की तो यहाँ पर दिया गया है 250 mm, अगर हम बात करें टोटल डेप्थ की तो यहाँ पर दिया गया है 600 mm, और यहाँ पर जो ग्रेड दिया गया साथियों कंक्रीट को हमारी है Fe 500 और जो कंक्रीट ग्रेड दी गई है वो हमारी है M25। आप साथियों यहाँ पे हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ साथियों हमको इफेक्टिव कवर नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसको इफेक्टिव करके एज्यूम करेंगे, उसको हम राइट डाउन करेंगे एज्यूम इफेक्टिव कवर इज, इसको हम एज्यूम करते हैं साथियों 40 mm, जो स्टैंडर्ड है हम इसको मान सकते हैं 40 mm। अब यहाँ से हम निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ साथियों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इफेक्टिव अगर हम डेप्थ निकालें तो ये हमारी हो जाएगी 600 - 40 mm इक्वल टू 560 mm। अब साथ ही हम यहाँ पे एक एग्जम्पशन और मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया कि सेक्शन ओवर रेनफोर्ड है कि अंडर रेनफोर्ड है कि बैलेंस सेक्शन है, तो हम एक जूम करके चलते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो हमारा बैलेंस सेक्शन है। तो हम यहाँ पे इस पर जूम करेंगे, एज्यूम इट इज अ बैलेंस्ड सेक्शन। अब क्या होगा साथियों, यहाँ पे हम यहाँ पे पहले निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं XU। तो यहाँ पे जब Fe 500 के लिए जो हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दिया जाता है, XU लिमिटेड जिसको बोलते हैं, वो हमारा होता है 0.56 D, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, तो 56 D क्या साथियों, भाई हमने जो निकाला इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो डिस्टेंस है जो हमारी निकल के आई थी 560 mm। तो ये सभी वैल्यू करते हैं, जब हमारी क्रिटिकल लिमिटिंग डेप्थ आप न्यूट्रल एक्सिस निकल के आएगी, जिसको हम XU लिमिटिंग जानते हैं, वो हमारी आएगी 0.46, डेप्थ की वैल्यू हमारी 560 mm है, तो इसको हम 560 रखेंगे और ये हमारी निकल के आती है साथियों 257.6 mm, जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं एज आ 258 mm, ये साथियों हम अबाउट में मान सकते हैं। अब हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील जो हमारे यहाँ पे लिमिटेड है, इसको हम कैसे निकालेंगे साथियों, इसका हमको फार्मूला पता होगा 0.414 FCK/FY मल्टीप्लाई बाई लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं XU लिमिटेड, मल्टीप्लाई बाई B जो हमारी विड्थ है, ये हमारी क्या है विड्थ, जिसको हम लिया था 250 mm जो यहाँ पर दिया गया था। ये बात का साथियों वैल्यू पुट अप करते हैं, 0.414 एज ए गिवन। FC के साथियों क्या है, कैरेक्टरिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, यहाँ पे ग्रेड जो है M25 है, तो इसका जो FCK होगा वो हमारी क्या होगी, FCK हमारा होगा 25। तो आइए यहाँ पर राइट डाउन करते हैं 25। अब साथियों यहाँ पे FY की बात करें तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे 500 दिया, तो इसका जो FY भी होगा वो हमारा होगा 500 मल्टीप्लाई बाई XU लिमिटिंग, अब साथ यहाँ पे निकाला हमने 258 mm मल्टीप्लाई बी 250 mm। अब इसको साथियों सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ स्टील निकल के आएगा वो आएगा 1335.15 mm स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं 1340 mm स्क्वायर। साथ ही इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कोई डाटा, लेकिन अगर हम इसको इजी कैलकुलेट करेंगे तो हमको आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब साथ ही यहाँ पे क्योंकि बैलेंस सेक्शन है तो हमको दोनों से निकालना पड़ेगा, टेंशन टेंसाइल जोन से कंप्रेसिव जोन से, तो आइए हम दोनों को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं हमारा कितना आता है। तो हम पहले यहाँ निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना इन कंप्रेसिव जोन, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स इनटू हमारा हो जाएगा लेबर आर्म, क्योंकि कहते हैं मोमेंट हमारा क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो हम इसको न्यूट्रल एक्सिस से निकालते हैं, तो यहाँ पे लेबर आर्म होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स जो हम देते हैं यहाँ पे कंक्रीट का वो हमारा आता है 0.36 FCK। अब साथ ही क्या होगी हमारा स्ट्रेस हो गया, इसको हमको एरिया बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई एरिया करना पड़ेगा, जो हमारा होगा बी इंटू XU लिमिटेड लिमिटिंग, और अब यहाँ से लीवर आर्म की बात करें तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई D-0.42 XU लिमिटिंग।
साथ ही इसको आप ध्यान देंगे, आप एक डायग्राम बनता है उसको आराम से समझ सकते हैं यदि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए हो तो। मैं बस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने का जो मेथड थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, सभी की वैल्यू पुट अप करते हैं। 0.36 मल्टीप्लाई बाय एफ सी के साथ भी हमने बताया 25, बी हमारा है 250 mm, एक्स यू लिमिटिंग अभी हमने निकाला साथ 258 मल्टीप्लाई बाय डी हमारा था 560 mm, माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग हमारा साथ जैसे मैंने बताया यहाँ पे 258 mm। इसको साथियों सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा, मोमेंट ऑफ डिस्टेंस इन कंप्रेसिव जोन, वो आएगा हमारा 262.17 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा आएगा क्या, मोमेंट ऑफ डिस्टेंस। साथियों ये देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारी जो यूनिट होगी किलो न्यूटन मीटर में होगी। ये साथियों किसमें था, कंप्रेशन में। हाँ साथियों यहाँ पे टेंशन भी निकालेंगे क्योंकि बैलेंस सेक्शन है, लमसम बिल्कुल बराबर आना चाहिए, अबाउट में आना चाहिए। तो इसके हम बात करते हैं, अब यहाँ बात करेंगे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंटू टेंशन जोन, हमारा जाएगा टी इंटू लीवर आर्म। अभी साथियों हम कैसे में निकाल रहे हैं, टेंशन में निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ टेंशन रखेंगे। जो टेंसाइल ऑफ फोर्स आता है वह हमारा स्टील ऑफ बार कार्ड होता है, तो यहाँ पर जिसका फार्मूला होगा वो होगा साथियों टी, और जो टी दिया जाता है साथियों टेंसाइल फोर्स वो आप समझ सकते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस जो आ रहा है उसके एरिया से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे स्टील ऑफ बार से, तो हमारा हो जाएगा 0.87 FY हमारा स्ट्रेस हो गया, मल्टीप्लाई बाय एरिया को रखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील, और यहाँ पे लीवर आर्म जैसे अभी आपने ऊपर सॉल्व किया डी माइनस एक्स यू 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। अब साथियों ये इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, 0.87 FY की वैल्यू साथ यहाँ पे दिया गया है, एफ ई 500 है तो यहाँ 500 होगा, एरिया ऑफ स्टील हमने यहाँ पे साथ ही निकाला 1340, तो यहाँ पे वही पुट अप करेंगे 1340 मल्टीप्लाई बाय डी हमारा साथ यहाँ पे 560 mm है, 560 mm माइनस 0.42 और एक्सयू लिमिटिंग साथ ही हमने कैलकुलेट किया है 258 mm। इसको साथियों सॉल्व करते हैं साथियों, तो ये हमारा आता है 263.26 किलो न्यूटन पर मीटर। अच्छा देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 किलो न्यूटन के लगभग लमसम में अंतर है, तो इसको हम अबाउट मान सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पे मोमेंट ऑफ डिस्टेंस निकल के आता है, ये हमारा कंप्रेशन जोन में और हमारा टेंशन जोन में। जो आपसे पूछा गया आप उसको यहाँ पुट अप कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस बात से हम थोड़ा सा आपकी हेल्प किए क्वेश्चन को निकालने के लिए। सत्य फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।